अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र कहने वाला सऊदी अरब, जिसे दुनिया इस्लाम का गढ़ मानती है, वहाँ से ऐसी रहस्यमय खोज सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और अपने सनातन धर्म पर गर्व करने लगोगे। आखिर क्या है वह खोज जो दुनिया में आग की तरह फैल रही है? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान 1000 या 2000 नहीं बल्कि 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर खोजा है। जहां इस्लाम का अस्तित्व ही 1500 साल पुराना बताया जाता है, वहीं 8000 साल पुराना मंदिर का मिलना पूरे इतिहास को चुनौती देता है। जहां इन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, वो स्थान सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण में है। मंदिर के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग वहाँ पर रहते थे वो पूजा पाठ अनुष्ठान करते थे। तुवाइक पहाड़ के किनारे मौजूद इस मंदिर का नाम रोककट है। मंदिर के अलावा पुरातत्व विभाग को 2807 कब्र भी मिली है। इसके अलावा सऊदी अरब में खोजे गए प्राचीन मंदिर में धार्मिक शिलालेख भी पाए गए हैं। सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन की तरफ से यह सर्वे किया गया है। कमीशन की ओर से इस खोज के लिए एक मल्टीनेशनल टीम गई थी। मंदिर के अलावा नवपाषाण काल के ह्यूमन सिविलाइजेशन के अवशेष भी मिले हैं जो 8000 साल पुराने हैं। मंदिर और कब्रों के अलावा यह बात भी सामने आई है कि यहाँ एक सिस्टमेटिक शहर बसा हुआ था जिसके कोने पर 4 टावर है। अल्फोव पुरातात्विक क्षेत्र पिछले 40 वर्षों से पुरातात्विक अध्ययन में शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब में इस 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर के मिलने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ऐसे ही रहस्यमय और मिस्टीरियस डिस्कवरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।